थैंक यू। हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रेडिक्शन गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो मैच कवर करने जा रहे हैं वो मैच होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। ये मैच है करांची वर्सी मुल्तान के बीच में। हम इसकी ड्रीम इलेवन टीम की टीम न्यूज़ के साथ साथ बात करेंगे लीग के बारे में। तो इस मैच के लिए मैं आपसे क्यों कॉन्टेस्ट पूछूंगा और पिछले क्यों कॉन्टेस्ट के 5 विनर्स निकालोगे। जिसने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया गा वो हमारे विनर्स रहेंगे। तो आपसे एक ही अपेक्षा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। तो बात करते हैं हम यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन रिजवान और की ऑप्शन की अगर बात की जाए। रिजवान आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैच के भी आपको पता हो तो उस वक्त इनका एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन इस मैच में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ सकता है। इसके बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो मिड ऑर्डर में बैटिंग करने आएगा, यानी नंबर 4 से लेकर नंबर 7 के बीच ये आ सकता है। उसके बाद आपके लिए और ऑप्शन की बात की जाऊँ तो उमर सदीकी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, जो आप उन्हें रिस्क ले सकते हो। बाकी टॉम मोरस और अंसार इन दोनों के ऊपर आप ग्रैनली के ये रिस्की विकल्प रहेंगे। सेफ ऑप्शन आपके लिए रिजवान की है। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं बाबर आजम। बाबर आजम करंटली चल रहा है T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में नंबर 1। पिछले सीजन की बात की जाए 11 मैचों की 11 पारियों में 402 रन बनाए। बैटिंग पोजीशन की बात की जाए आपको एज एन ओपनर करता नजर आ जाएगा। तो वो सभी क्वालिटी जो आपको ये पॉइंट दिला सकता है, तो आप बाबर आजम को अपनी टीम में शामिल जरूर कीजिएगा। कॉलिन मुनरो तो खेल रहे हैं सेमीफाइनल वाला मैच ऑकलैंड के लिए, तो यहां पर अनअवेलेबल है इस मैच के लिए। यहां से शोएब मलिक और यहां से आपको शायद अफरीदी, दोनों में किसी एक को लेना पड़ेगा। शायद अफरीदी थोड़ा लेट डाउन दी ऑर्डर आते हैं, यानी कि नंबर 4 नंबर 5 पर, माफ कीजिए नंबर 5 या नंबर 6 पर, लेकिन शोएब मलिक आ जाते हैं नंबर 4 या नंबर 5 पर। ये दोनों स्पिनिंग गेंदबाजी फेंकवा लेते हैं, लेकिन ये 4 ओवर के आसपास फेंक लेते हैं और शोएब मलिक कभी कभार गेंदबाजी फेंकते हैं, यानी 1 से 2 ओवर। अगर बात की पिछले लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस की तो उस सीजन में यहाँ पर जो शाहिद अफरीदी, उन्होंने 9 मैचों में 13 विकेट चटकाए थे। तो आप अगर लेना चाहते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर तो आप यहाँ पर शाहिद अफरीदी के साथ जाइए, अगर लेना चाहते हैं यहाँ से बैटिंग ऑलराउंडर तो आप शोएब मलिक के साथ जाइए। मैं शोएब मलिक के साथ जा रहा हूँ। कॉलिन इनग्राम की बात की जाए, कॉलिन इनग्राम एक बेहतर प्लेयर है, नंबर 3 पर आपको बल्लेबाजी करता नजर आ सकता है और T20 का जाना माना प्लेयर है। तो उसके बाद अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, पिछले सीजन में इन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में 243 रन बनाए। हालांकि बिग बैश लीग के इनका ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस गया, तो उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे। जेम्स विंस तो सिडनी सिक्सर के लिए सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, तो यहां पर आपको नहीं खेलते नजर आ जाएंगे। बैन डंक के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो रिस्की विकल्प है। जॉनियन चार्ल्स विंडीज एक धमाकेदार प्लेयर है, आपको एज एन ओपनर खेलते नजर आ जाएंगे और काफी अग्रेसिव खेलते हैं, मतलब काफी तेतरा खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैं इनको अपनी टीम में शामिल जरूर करूंगा। जोए डनली तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उसके बाद जया की बात की जाए तो रिस्की विकल्प है। इमरान भी रिस्की। शान मसूद टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त पारियां खेली पाकिस्तान की तरफ से, तो आपको इस मैच में अगर खेलता है तो आपको ओपनर भी करता नजर आ सकता है या मिड ऑर्डर में भी आ सकता है, लेकिन रिस्की विकल्प रहेगी, इसके लिए मैं आपको इनकी ऑप्शन नहीं दूंगा। एवंस की बात की जाए, जबरदस्त प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में गुजरा था बीपीएल में भी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस मैच में भी, बीपीएल में उन्होंने आखिरी मैचों में ओपनिंग की थी और ओपन करते समय ये फॉर्म में वापस आ चुके थे, तो 8 क्रेडिट में आपके लिए अच्छा विकल्प है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे और अच्छे पॉइंट दिलाएंगे। और अगर बात करते हैं और सेकंड की डेंजर प्लेयर एंड्रे रसल, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जबरदस्त हर सीजन में जाता है धमाकेदार परफॉर्मेंस कर जाता है, तो आपके लिए पिक रहेगी। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ लीग डक के बारे में, जिन्होंने खेलना शुरू किया वीडियो को आगे कर कंटिन्यू कर सकते, लेकिन जिन्होंने अभी तक खेलना नहीं शुरू किया उनके लिए एक अच्छी फंटाइज साइट साबित हो सकती है। पॉइंट वाला कि आप प्लेइंग 11 के बाद टीम बना सकते हो, यानी आपका कोई प्लेयर मिस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको 25 रुपीज़ का फ्री का कैश बोनस मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो आप 100% यूजेबल कर सकते हो, आपको बहुत सारी लीग्स मिल जाएंगी। चौथा पॉइंट ये कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी आप देख सकते हो कि 102 मेंबर वाली ग्रैंड लीग है, 65 मेंबर्स की है, 70 वाली मेंबर की है, तो आपको जो 100% बोनस को मिल जाता है तो जो आपको फायदा हो सकता है। साइनअप करते समय आपने BAL4DAVF0 रेफर कोड डालना है और नीचे आपको मी का ऑप्शन मिल जाएगा। मी के ऑप्शन पर जाकर अपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना। जैसे आपका ईमेल वेरीफाई होगा आपके अकाउंट पर 25 रुपीज आ जाएंगे लीगल डक के। विदाउट ईमेल एड्रेस या बिना ईमेल एड्रेस वेरीफाई किए आपको पेटीएम माफ कीजिए आपको नहीं मिलेगा लीगल डक का बोनस। इनके 100% यूजेबल, जैसे आपको पता ही है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में दिखलाता रहता हूं, ये देख सकते हैं 100% यूजेबल है। नीचे जाओगे तो फिर देख सकते हैं 100% यूजेबल है, 100% यूजेबल है, यानी आपका जो बोनस होगा लगभग सभी बोनस आपका लगभग क्या सब कुछ लग ही जाएगा, क्योंकि 25 रुपीज़ आपको बोनस मिलेगा। इनके बहुत सारे ऑफर भी चल रहे, जो इनका गेट 200% बोनस ऑफर जो काफी पॉपुलर है, जहां पर आपको बता देता हूं कैसे वो, अगर आप यहां पर डिपॉजिट करते हो 50 या 50 से ज्यादा, तो आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 200% बोनस, यानी 50 करोगे तो आपको 50 नहीं मिलेगा 150 मिलेगा। फर्स्ट 200 आपने कोड डालना है और मैक्सिमम अमाउंट आपको 200 रुपये मिलेगी। तो इस तरह आप इस ऑफर का अगर मन करता है फायदा उठा सकते हो। 10 डे ऑफर ये है कि अगर आप 10 दिन लगातार 10 लीग से ज्यादा ज्वाइन करते
करते हो अगले 10 दिनों के लिए, तो आपको ₹250 का बॉन्स मिलेगा और क्रिस गेल की जर्सी मिलेगी पहले 10 विनर्स को। तो इसलिए आपके लिए अच्छी फंटाइज साइट साबित हो सकती है लीगेट है, क्योंकि फ्री को खेलने को आपको ₹25 दे रही है, उसका यूज़ कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका लिंक कहाँ पर है। तो जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जैसे इस टाइटल पर आप क्लिक करते हो तो नीचे खुल जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो ये रहा लीगडा का लिंक। इस लीगडा के लिंक पर जाके BL4DF0 कोड डालें और आप ईमेल वेरीफाई जरूर कर लीजिए मी ऑप्शन पर जाके ₹25 के लिए। तो आपके लिए मिस्ड पैक रहेगी शाहिद अफरीद को, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है शोएब मलिक की जगह पर ले सकते हो। उसके बाद आपके लिए ऑप्शन बचती है जहाँ, तो आप ले लीजिए यहाँ से इमाद वसीम को। इमाद वसीम के बारे में बताना चाहूँगा, कैप्टनसी करेंगे, अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग और राउंडर, बैटिंग भी आपको करते नजर आ जाएंगे, स्पिन गेंदबाज हैं। रवि उपारा की बात की जाए, नंबर 4 पर जब बल्लेबाजी करने आते हैं और साथ ही साथ 1 से 2 ओवर अगर जरूरत पड़ती है तो गेंदबाजी फेंक लेते हैं, अच्छा प्लेयर है। डेनियल क्रिश्चियन तो यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेल रहा है, तो यहाँ पर आपको नहीं खेलता नजर आ जाएगा। सिकंदर रजा की बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ऐसे कुछ मैच होते हैं यहाँ पर चलता है, जिस सीजन में चलता है तो हर मतलब अगले कुछ मैचों के लिए इन फॉर्म की बात होती है, लेकिन अभी तक BPL में इनकी फॉर्म के कारण इनको ड्रॉप कर दिया गया था प्लेइंग 11 में। लैम लिविंगस्टोन की बात कीजिए, आपके लिए ग्रेट पिक रहेगी इस मैच के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस मैच में खेलता है तो एज एन ओपनर खेलता नजर आ सकता है और साथ अगर जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकता है, तो आपके लिए स्मॉली के लिए अच्छी विकल्प रह सकती है, लेकिन रिस्की प्लेयर रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इनको ड्रॉप करना चाहे कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपने नैम लिविंगस्टोन को लेना है, रवि पारा को लेना है, इमाद वसीम को लेना है, कि शाहिद अफरीदी को भी ले सकते हो, क्रेडिट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए ऑलराउंडर में आप एक अपनी पिक चुन सकते हो जो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। मैं होता तो मैं यहां से नैम लिविंगस्टोन के ऊपर रिस्क लेता, क्योंकि ओपन करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको पॉइंट दिला जाए। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर तो लेना ही पड़ेगा, फास्ट गेंदबाज है, अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाते हैं, ठीक ठाक प्लेयर हैं। मोहम्मद इरफान की बात की जाए, पिछले सीजन में 9 मैचों में 10 विकेट्स निकाला इस तेज गेंदबाज ने, लेफ्ट आर्म का 7 फुट लंबा ये प्लेयर है, उम्मीद करता हूँ अगर वो इस मैच में भी अच्छे पॉइंट दे दिलाएगा। उसके बाद उस्मान खान शेनवैरी की बात की है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, अभी जिस सीजन में खेलता है अच्छा परफॉर्मेंस करता है, पिछले सीजन में भी इन्होंने दमदार 9 मैचों में 16 विकेट चटकाए, उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज में भी, इस जो सीजन है इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सोहेल खान के बारे में न्यूज़ तो ये है कि इस मैच में खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेथ ओवर स्पेशली गेंदबाज इनको माना जाता है, तो आप अगर इनको लेना चाहे तो ग्रैंडली के लिए ऑप्शन है। आमिर यामीन के भी बारे में चांसेस है कि खेलेंगे, लेकिन कम चांसेस हैं, तो इसलिए आपके लिए रिस्की पिक रहेगा। जुनेद खान आपके लिए सेफ पिक रहेंगी, जुनेद खान के बारे में बात करें, इसके पास मौका है कि अपनी नेशनल टीम में जगह बनाने का इस सीजन के। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास के बारे में बात की जाए तो आपके लिए रिस्की पिक्स रहेगा, क्यास अहमद अफगानिस्तानी प्लेयर है, तो रिस्की पिक के बारे में चांसेस है कि इस मैच में आपको खेलता नजर आ सकता है, ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से आपके लिए मोहम्मद इरफान खान है जो राइट आर्म पेसर है, इसको खिलाया जा सकता है, उसके बाद इलियास को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा सभी रिस्की ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन आपके लिए यहाँ से मोहम्मद इरफान की है, सोहेल खान जो आपको ग्रैंड लीग के लिए मौका है, बाकी यहाँ से नीचे रिस्की प्लेयर हैं। तो ये रहे कि मेरी फाइनल टीम, एक ऑलराउंडर जिसको आपने चुनना है, लैम लिविंगस्टोन को चुन सकते हो, शाहिद अफरीदी को चुन सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन के लिए बाबर आजम आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहे, क्योंकि हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। वीसी के लिए लॉरेन इवेंस है, एंड्रे रसल हैं, कॉलिंग इनग्राम है, शोएब मलिक भी है थोड़ी बहुत ही, तो 1, 2 और 3 इनमें आप, ये तो आपका सही होगा, वीसी आप इन तीनों में से रख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ड्रीम इलेवन टीम अच्छे समझ लगी होगी, अगर लगती है तो यार लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता मेरे को पता है, तो आप जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नए यूजर ने उनको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिन्होंने किया उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं लीगरा टीम के फाइनल प्रीव्यू की, यार प्लेइंग 11 के बाद आप टीम बना सकते हो, इसी कारण आपका कोई भी यहां पर प्लेयर मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको टीम का फाइनल प्रीव्यू दिखलाता हूं। तो ये रही मेरी फाइनल टीम, रिजवान, बाबर आजम, कोलिन इनग्राम, शोएब मलिक, लॉरेन इवन, चोनन चार्ल्स, मोहम्मद आमिर, उस्मान खान, जुनेद खान, लैम लिविंगस्टोन और एंड्रे रसल। आपको पता है अगर लैम लिविंगस्टोन नहीं खेलते तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस मैच के लिए मेरा क्यों कॉन्टेज है कि इस मैच में आपको सबसे ज़्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाता नजर आ जाएगा, #predictionguruji लिखकर आपने उसका आंसर देना है कि इस मैच में आपको सबसे ज़्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाता नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्यों कॉन्टेस्ट के विनर्स की। तो सपोज किया मेरी यही वाली वीडियो देख रहे थे तो इस वीडियो के लिए मेरा प्रश्न ये था कि इस मैच में आपको प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर बनता नजर आ जाएगा, जिसका सही उत्तर है फाहिम अशरफ। एक बार उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2 विकेट्स निकाले और साथ ही साथ यहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की, तो जिसने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया गया वो हमारे विंस रहेंगे, इसलिए सबसे न्यूज़ जाकर सबसे नीचे जा रहा हूँ। थैंक यू ओमी नो भाई, थैंक यू फ्यूजल भाई, तो थैंक यू चंद्रन ठाकुर। यहाँ पर नोटिफिकेशन का पता नहीं क्या होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो जैसे कोई विनर्स निकलता है, थैंक यू PG प्रोडक्शन गुड भाई, तो जैसे कोई निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा।
बिल्कुल सही आंसर दिया अमित कुमार सिंह, एके सिंह ने, बिल्कुल सही यार। और इनको मैं पेटी नंबर के रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, इन्होंने अपना पेटी नंबर भी दिया हुआ जो काफ़ी अच्छी बात है, पेटीएम इनको मैं कर दूंगा। तो ये हमारा पहला मिनट निकल गया, दूसरे मिनट की तलाश में पूर चलते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया यहाँ से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ने, तो ये हमारे रहेंगे सेकेंड, इनको पेटीएम, लेकिन उन्होंने पेटीएम पहले दिया हुआ, शायद इनको पता है कि यही भी आंसर होंगे क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने कहा होगा। बिल्कुल आंसर दिया शाला करना ने, फीम अशरफ जी हमारे रहेंगे तीसरे, इनको पेटी नंबर की रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनको पेटी नंबर की रिक्वेस्ट डाल दी, हमारे तीन मिनट से निकल चुके, चौथे मिनट की तलाश में चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ ऊपर, तो देख सकते हो आपके 3 मिनट से निकले, दो विक्रम किसी और वीडियो में शिफ्ट कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।